हमें ना 1 आवर का ब्रेक मिलता है, मतलब लंच ब्रेक 1 आवर का होता है, तो वो क्या हो गया यार गले में किचकिच। Hello you all, welcome back to my channel. If you came here for the first time and when you about this girl sitting in front of you, hi, my name is Sana and I do post beauty and lifestyle related content on my channel. If you haven't subscribed my channel, then what are you waiting for? Just go and hit the red subscribe button with the bell icon too. Then only you will be updated about my every YouTube videos. So today is Sunday and it's been a very long time that I shot something. Last time मैंने बकरीद पे vlog किया था, उसके बाद से तो मैंने कुछ भी shoot नहीं किया because I got a job and अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, एक नई लाइफ स्टार्ट हुई है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गाइज, इसीलिए मैं मतलब यूट्यूब पे उतनी एक्टिव नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे तो जैसे मैं गायब भी हो गई होंगी, बट रीज़न इज़ दैट कि जॉब के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, दिन भर मेरा चले जाता है उसी में, मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिलता है कुछ शूट वगैरह करने का, इसलिए मैं सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, सैटरडे तो ऐसे ही चले जाता है, संडे को आज मैंने सोचा कि नहीं यार अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब व्लॉग करना चाहिए, इस सब के बारे में मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, सो इसलिए मैं अभी ये व्लॉग बना रही हूँ। और मुझे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है, मतलब जो कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है ना, वहाँ से मुझे कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, सो आई रियली वॉन्टेड टू शो यू गाइज दैट थिंग्स। सो आई बिलोंग टू IT फील्ड, सो मेरा यू नो कैपजेमिनी कंपनी का नाम है, उसमें सिलेक्शन हुआ है और वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें आई भी है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, सो पहले हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहला जो पार्सल मुझे आया था ना कंपनी की तरफ से, वो ये आया था बैग, बैग के अंदर में था लैपटॉप, मैं दिखाती हूँ। सो ये लैपटॉप रिसीव हुआ था, काफ़ी बढ़िया सा लैपटॉप है ये। सो ये लैपटॉप आया था और चार्जर है और बैग के अंदर भी कुछ था, इसके साथ में ये माउस भी आया था, सारी चीज़ें लेनोवो की आई है मुझे, और बैग भी काफ़ी अच्छा है, सारा सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये मुझे आया था पहले क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह इसी पे करना होता है, तो इसीलिए उन्होंने पहले ये भेजा था। उसके बाद एक वेलकम किट भी आई थी, मैं वो भी दिखाती हूँ। ये वेलकम किट आई थी मुझे, इस बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी का ये लोगो है, मैं दिखाती हूँ वन बाई वन। सो उन्होंने मुझे ये कैप भेजा था, उसके साथ में ये पेन आई हुई थी, ये पेन बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं दिखाती हूँ इसे ओपन करके। सो ये पेन है, कुछ इस तरीके की है, ये काफ़ी प्रिटी प्रिटी है। उसके बाद में ये शेकर आया था, ये शेकर है, और उसके साथ में ये बॉटल आई थी, जस्ट लुक एट दिस, सभी में कंपनी का लोगो है ऑब्वियसली, उन्होंने भेजा है तो अपना लोगो तो दिखाएंगे ही। उसके बाद ये डायरी आई है, डायरी भी अच्छी है, ऐसी डायरी आई हुई है, और ये बहुत बड़ा सा कैरी बैग आया हुआ है, गेट द फ्यूचर यू वांट। बस ये सारी चीज़ें आई हैं इसमें, ये सब इनके कार्ड्स वगैरह हैं, सो इतनी चीज़ें मुझे आई थी। सो IT में ना ऐसे ही होता है, IT फील्ड में जनरली वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें बेचते ही हैं, लैपटॉप वगैरह तो मिलना कॉमन ही है। सो अभी तो मेरा घर से ही काम हो रहा है, ट्रेनिंग चल रही है मतलब, तो घर से ही चल रही है अभी, हमें जाना नहीं है ऑफलाइन, बट कभी भी बुलावा आ सकता है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। बाय द वे मैं ना इस व्लॉग में आप लोगों को अ डे ऑफ माय लाइफ भी दिखाने वाली हूँ, आज संडे है तो हम इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं, जब से मेरा दिन स्टार्ट होगा कल, मतलब वर्किंग आवर जब से स्टार्ट होगी तब से मैं स्टार्ट करूँगी। सो आप लोगों को मैं सारा कुछ दिखाने वाली हूँ कल कि मैं कैसे क्या मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्टे ट्यून फॉर दैट, हम मिलते हैं कल सुबह। अभी मैं उठी हूँ, रेडी भी हो गई हूँ, रेडी क्या होना है मतलब हमारी ट्रेनिंग में कैमरा वगैरह कुछ ऑन करना होता नहीं है, सो बस हम ऐसे ही घर के कपड़ों में जाके बैठ जाते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। तो अभी हो रहे 8:30 से ही ज्वाइन करना होता है, सो मैं अपना सेटअप दिखा देती हूँ पहले। ये है मेरा सेटअप जहाँ पर मैं बैठकर अपनी ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, ये मेरा पुराना लैपटॉप है, मतलब पर्सनल लैपटॉप है, और इस वाले लैपटॉप में मैं अटेंड करती हूँ, ये मेरी बुक्स वगैरह है, तो यहाँ पे मैं बैठकर मतलब दिन भर मेरा यहीं पे निकल जाता है। सो या
My training is going to start right now, and I should go from here to here, and I will meet you at 1 p.m. on my lunch break. Bye guys. Many unbearable hours later. So guys, it's 1 p.m. and I'm done with my class, like morning class. And अभी मेरा lunch break है. Lunch break करके हम फिर से वापस आएंगे. यहाँ पे मुझे 7:30 तक बैठना पड़ेगा. मतलब training वगैरह चलती रहती है, तो उसे attend करना है. So yeah, मैं मिलती हूँ आप लोगों से lunch करने के बाद. It's time for lunch. What time is it? It's time for lunch. What time is it? It's time for lunch. आई एम डन विथ माई लंच गाइज, और अभी 10 मिनट्स बाकी है सेशन स्टार्ट होने में. तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा यू नो रेस्ट कर लेते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि ना लास्ट तक, मतलब शाम होने तक, जब सेशन ख़त्म होने पे आता है तब तक पीठ की हालत तो इतनी बुरी हो जाती है, आई कांट टेल यू. क्योंकि अभी उतनी हैबिट नहीं हुई है. जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे आदत भी बदलेगी और थिंग्स थोड़ी सी यू नो स्टेबल हो जाएगी. और इसीलिए अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है शूट वगैरह करने के लिए, स्पेशली फॉर इंस्टाग्राम. यूट्यूब का तो ठीक है, हम ब्लॉग वगैरह डाल देते हैं और यू नो वीक में एक आधी बार वीडियो डाल दे तो थोड़ा अच्छा हो जाता है. बट इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी कॉन्टेंट नहीं है पोस्ट करने के लिए. मेरे पास टाइम भी नहीं है शूट करने के लिए. आई रियली मिसिंग दैट लाइफ जब मैं शूट किया करती थी स्पेशली फॉर इंस्टाग्राम. बहुत याद आ रहा है मुझे वो सब कुछ. ऐसा लग रहा है कि यार मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ शूट करूं, बट ठीक है, कुछ टाइम की बात है. जब थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊंगी देन आई विल बी बैक ऑन ट्रैक. मॉर्निंग में 8:30 से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद हमें एक 10 मिनट्स का ब्रेक मिल जाता है. उसके बाद दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, देन हमें 1 आवर का लंच ब्रेक मिलता है. लंच ब्रेक 1 आवर का तो होता है, बट वो ऐसे निकलता है ना कि यार ऐसा लगता है अभी 10 मिनट ही तो हुए थे. अभी तो मैं अपनी जगह से उठी थी, बहुत जल्दी ये 1 आवर निकल जाते हैं. समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि यार 2-3 आवर का ब्रेक मिल जाना चाहिए, पर होता है. आई थिंक ये स्टार्टिंग में ऐसा होता ही है. ओके गाइस, सो अभी मुझे जाना है, ज्वाइन करना है. मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ. आज मैं सबसे पहले ज्वाइन हो गई हूँ गाइस, और ही इज़ आवर ट्रेनर और दिस इज़ मी. वहाँ है मेरा ट्राईपॉड. मेरी रिंग लाइट मुझे उतनी दूर से देख रही है, कह रही है कि यार कब मुझे यूज़ करूँगी, कब करूँगी, कब करूँगी. आई कैन फील यू. और यहाँ पर ये जनाब मुझे बार बार नोटिफिकेशन दे रहे हैं दैट प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम टू अनम्यूट योर माइक. पर इन्हें कौन बताया कि मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी ऑडियंस से बात कर रही हूँ. सो देखते हैं अभी कब ये स्टार्ट होता है, तब तक के हम थोड़ा सा और रेस्ट कर लेते हैं. सो गाइज, अभी 4:15 हो रहे हैं और हमें अभी मिला है टी ब्रेक. एक्चुअली 15 मिनट्स का टी ब्रेक भी मिलता है हमें, तो टी ब्रेक के टाइम तो कोई चाय वाय नहीं पीनी होती मुझे. बस ऐसे ही मैं अपने ही जगह पर थोड़ा सा यू नो लेट जाती हूँ, ताकि मेरी जो दर्द भरी पीठ है उसे थोड़ा आराम मिल जाए. सो 15 मिनट्स तो ऐसा लगता है 1 सेकेंड में ही निकल जाता है, क्या ही बोले अब. सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्ट अब शाम में, या यूँ कहूँ रात में. 3 hours later. सो दिस इज़ हाउ माई इंटायर डे वेंट टू डे. ऐसा ही सब कुछ होता है, दिन भर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा इनएक्टिव हो गई हूँ. जब भी न्यू कुछ होता है लाइफ में, या फिर हम कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं, तो उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता ही है. जैसे ही सारा कुछ स्टेबल हो जाएगा आई विल बी बैक ऑन ट्रैक. तब तक के लिए मेरी पुरानी वीडियोज़ देख कर काम चला लो. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी. जाहिर सी बात है, न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है, तो बहुत कुछ न्यू चैलेंजिंग होगा लाइफ में.
मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और यम दैट्स इट. यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग जॉब्स एंड यू नो किसी भी चीज़ का, अगर आपको कुछ भी ऐसा क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस गाइज. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.